प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम एपिसोड की शुरुआत में नवी कक्षा में पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। हम इस चैप्टर का आज पहला भाग देखेंगे। साथ ही 11वीं कक्षा में भी हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूस। इस चैप्टर का भी हम आज पहला भाग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज हम हमारी 9th की इंग्लिश की बुक बी हाइव्स का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1st है। तो दोस्तों, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और दोनों ही पार्ट्स बायोग्राफी है। बायोग्राफी मींस जब कोई किसी की रियल लाइफ की स्टोरी के बारे में लिखता है और जब कोई अपनी रियल लाइफ की स्टोरी लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो पहली बायोग्राफी है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब एक लड़की जिसे कुछ सुनाई नहीं देता फिर भी सब कुछ सुनाई देता है। तो ये कहानी एवलिन ग्लेनी की है जो एक पॉपुलर स्कॉटिश परक्यूशनिस्ट है। परक्यूशनिस्ट मतलब जो तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है। तो वो एक इंटरव्यू में अपनी स्टोरी शेयर करती हैं। इसी के साथ हम पढ़ेंगे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही बिजी टाइम था और लोग बहुत धक्का मुक्की कर रहे थे अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म मतलब जो ट्रेन प्लेटफॉर्म जमीन के नीचे था। एक गर्ल जो कि 17 इयर्स ओल्ड थी लेकिन अपनी एज से वो छोटी लगती थी देखने में, वो नर्वस थी, थोड़ी परेशान थी, वहां पर खड़ी हुई थी। इतने में उसने वाइब्रेशंस फील की कि ट्रेन आने वाली है। ये उसका एक म्यूजिक एकेडमी है लंदन में जिसका नाम है प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसमें उसका पहला दिन था। वो उसके लिए काफी डॉन्टिंग था, मतलब डराने वाला था। मतलब थोड़ा डर सा लगता है ना जब आप किसी नई जगह पर जाते हो, तो इसी तरह का फियर सा था उसके लिए। वो स्कॉटिश एरिया के फार्म से बिलोंग करती थी मगर ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, मतलब कि वो अभी म्यूजिशियन थी नहीं बट वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी, तो उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज था। वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी मगर वो डेफ थी, मतलब सुन नहीं सकती थी। तो जो उनकी लॉस ऑफ हियरिंग थी, मतलब जो उनको सुनना बंद हुआ था, वो ग्रेजुअल था, मतलब टाइम के साथ धीरे धीरे ऐसा होता गया। तो जब वो 11 इयर्स की हो गई थी
तब उनकी मम्मी ने नोटिस किया था कि इनके साथ कोई परेशानी है। क्या हुआ था? वो मतलब एवलिन बैठी हुई थी और वेट कर रही थी पियानो बजाने का। तो जब उनको बुलाया गया, उनका नाम लिया गया, तो एवलिन अपनी सीट से नहीं हिली। तो सडनली अचानक से उनकी मदर को रियलाइज हुआ कि उनकी बेटी ने सुना ही नहीं। कुछ टाइम तक तो एवलिन ने कोशिश की कि उनके दोस्तों को और उनके टीचर्स को इस बारे में कुछ पता ना चले, लेकिन जब वो 11 ईयर्स की हुई तो स्कूल में उनके मार्क्स काफी ज्यादा गिरने लग गए। तो स्कूल हेड ने उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, उन्हें कहा कि उनको किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएं। तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो उनको पता चला कि उनकी नर्व्स डैमेज हो रही हैं, जिसकी वजह से उनको धीरे धीरे सुनना बंद हो रहा है। फिर एवलिन के पेरेंट्स को ये एडवाइस दी गई कि उनको ऐसे स्कूल में भेजा जाना चाहिए जो डेफ बच्चों के लिए होता है। लेकिन एवलिन ने गिव अप नहीं किया, मतलब उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये सोच लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ, एक आम जिंदगी, साधारण जिंदगी जिएंगी और अपना जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको ही वो आगे बढ़ाएंगी। फिर एक दिन उन्होंने एक लड़की को ग्जाइलोफोन बजाते हुए नोटिस किया। ग्जाइलोफोन क्या होता है? ग्जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लकड़ी के रेक्टेंगुलर जैसे कुछ पट्टे से अलग अलग लंबाई के। ज्यादातर टीचर्स ने एवलिन को डिस्करेज किया कि वो म्यूजिक ना सीखें, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे, मतलब जो तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, जिनका नाम है रॉन फॉब्स। उन्होंने एवलिन के पोटेंशियल को, मतलब उनकी एबिलिटी को, उनकी क्षमता को, जज्बे को पहचाना और उन्होंने उनको सिखाना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, दो बड़े बड़े ड्रम्स थे जिनकी साउंड अलग अलग आती थी। फिर वो बोलते हैं कि डोंट लिसन थ्रू योर इयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उन्होंने कहा कि तुम इसको अपने कानों से मत सुनो, बल्कि इसको महसूस करने की कोशिश करो। तो जब एवलिन ने सीखना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जो उनकी वेस्ट थी, कमर थी, वहां से कुछ उनको दोनों ड्रम्स के बीच में फर्क समझ आने लगा, महसूस होने लगा। वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से अलग-अलग साउंड को समझने लगी। उन्होंने अपने परिश्रम से और अपनी लगन से म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। डिफिकल्ट वर्ड्स, जोसल, पुश रफली, मतलब धक्का मुक्की करना। एस्पायरिंग म्यूजिशियन, अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, मतलब जो पर्सन म्यूजिशियन बनना चाहता है। डॉन्टिंग, फ्राइटनिंग, मतलब डरावना या डरना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि एवलिन, जो कि कुछ सुन नहीं पाती थी, कैसे उन्होंने म्यूजिक को सीखना और समझना, महसूस करना शुरू कर दिया। वो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके म्यूजिक को समझने की कोशिश करती थी। दोस्तों, आप भी अपने घर जाकर अपनी इंग्लिश की बुक बी हाइव्स के इस चैप्टर एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग को जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एवलिन म्यूजिक सीखती है और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन लेती है, साथ ही उनके वहां पे कैसे मार्क्स आते हैं और उन्हें कौन
कौन कौन सी लैंग्वेज बोलनी आती है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज हम हमारी 9th की इंग्लिश की बुक बीहाइव का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो दोस्तों, क्या आप सभी को याद है कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने देखा कि एवलिन, जो कि कुछ सुन नहीं पाती थी, कैसे उन्होंने म्यूजिक को सीखना और समझना, महसूस करना शुरू कर दिया। वो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके म्यूजिक को समझने की कोशिश करती थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एवलिन म्यूजिक सीखती हैं और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन लेती हैं। उनके वहां पर कैसे मार्क्स आते हैं और उन्हें कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलनी आती हैं और साथ ही कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जब एवलिन परक्यूशनिस्ट से मिली थी तो इसके बाद उन्होंने दोबारा मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पूरा यूनाइटेड किंगडम टूर किया था, मतलब घूमा था, विद यंग ऑर्केस्ट्रा, मतलब यंग लोगों के ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है कि जब कई सारे लोगों का एक ग्रुप बैंड का होता है, उन लोगों के साथ वो यूके गई थी। जब वो 16 ईयर की हुई तब तक म्यूजिक ही, संगीत ही उनकी जिंदगी बन गया था। उन्होंने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए और उस एकेडमी के इतिहास में एवलिन ने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। फिर वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से, मतलब ग्रुप के लोगों से सोलो परफॉर्म करने लगी, मतलब अकेले ही परफॉर्म करने लगी। उस 3 साल के कोर्स में उन्होंने बहुत सारे टॉप के अवार्ड्स जीते। इन सब के बाद भी एवलिन ने ये कभी नहीं माना कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। फिर वो कहती हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहां जरूर पहुंच जाएंगे। वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच गई थी। उनकी मास्टरी, मतलब महारत, थाउजेंड्स, हजारों इंस्ट्रूमेंट्स में थी और अब इंटरनेशनल शेड्यूल रहते हैं उनके, मतलब अब वो विदेशों में जाकर कॉन्सर्ट्स करती हैं। ये बहुत हैरान कर देता है कि एवलिन ऐसा कैसे कर सकती है, मतलब उनको सुनाई नहीं देता पर वो इतना अच्छा गा रही हैं। वो बताती हैं कि सिर्फ लिप्स को नहीं बल्कि वो लोगों के फेस एक्सप्रेशंस को, खासकर आईज को देखकर समझ लेती हैं कि कौन क्या बोलना चाह रहा है। फिर वो कहती है कि बहुत अच्छे से वो स्कॉटिश बोल पाती हैं क्योंकि 11 ईयर की एज तक जो है वो सुन पाती थी, इसलिए वो सब कुछ अच्छे से बोल पाती हैं और लोगों की बात को समझ पाती हैं। फिर ऑथर कहते हैं कि एवलिन ने किस तरह से फ्रेंच और जर्मन सीखी वो ऑथर को समझ नहीं आया। डिफिकल्ट वर्ड्स, मास्टरी, ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज को करने में महारत हासिल करना। ऑर्केस्ट्रा, अ लार्ज नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु प्ले डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर, मतलब बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे संगीतकारों का ग्रुप जो साथ में मिलकर
अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे एवलिन म्यूजिक सीखती हैं। पहले वो ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं, फिर सोलो परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। साथ ही हमने देखा कि वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन लेती हैं और वहां सबसे ज्यादा मार्क्स भी वो स्कोर करती हैं। उनको स्कॉटिश, जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज भी बोलनी आती है और कैसे वो बिना सुने लोगों की बात समझ जाती हैं। दोस्तों, आप भी अपने घर जाकर अपनी इंग्लिश की बुक बिहाइव के इस चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक को जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एवलिन को म्यूजिक कैसा लगता है, वो कैसे बिना सुने भी म्यूजिक में कितना अच्छा होती हैं, उनको क्या अवार्ड मिलता है और वो क्या महसूस करती हैं अपने काम के लिए और म्यूजिक के लिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी हॉर्नबिल की बुक से लेसन 3 पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। टोटल हम लोग इस चैप्टर के 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग टट द लास्ट एयर इस हेडिंग को डिस्कस करेंगे। इससे अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मोस्ट फेमस टॉम, कि किस तरह से टट की ये जो टॉम है, ये दुनिया की सबसे फेमस टॉम है, इसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टट को डिस्कवर्ड किसने किया था, किसने उसकी टॉम को खोजा था। और फाइनली हम लोग जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है वेरी बैड कंडीशन, कि आखिर ये वर्ड्स किसने बोले थे और क्यों बोले थे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। तो इसी के साथ अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। दोस्तों, ये जो चैप्टर है डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज डिस्क्राइब द बॉय किंग टट, इस चैप्टर में बात हो रही है एक राजा की। उस राजा का नाम है टट। अगला पॉइंट, He was the last heir of a very powerful royal family that ruled Egypt for centuries. यानी कि ये जो टट है, ये एक बहुत ही powerful royal family का heir है, जिन्होंने इजिप्ट के ऊपर बहुत centuries तक rule किया था। दोस्तों, heir का मतलब होता है यहाँ पर the person who will be the next king, यानी अगला राजा जो बनने वाला था, वो था टट। एंड फाइनली हमारा लास्ट पॉइंट, सीटी स्कैन ऑफ टट्स मम्मी रिवील्ड इंटरेस्टिंग बट स्टार्टलिंग फैक्ट्स अबाउट हिम। स्टार्टलिंग का मतलब होता है दोस्तों सरप्राइजिंग एंड समटाइम्स वरी, यानी कि टट की मम्मी पे जो सीटी स्कैन किया गया था उससे हमें काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले थे टट के बारे में। चलिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन के बाद अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम था टट द लास्ट एयर। इसमें सबसे पहले तो टट वाज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, यानी कि जब टट की डेथ हुई थी उस टाइम पे वो एक टीनेजर थे। ही वाज द लास्ट एयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, और वो एक पावरफुल फैमिली के लास्ट एयर थे। It rules Egypt for centuries. और उनकी इस powerful family ने Egypt में बहुत centuries तक rule किया है। हमारा अगला point है, He was laid to rest in grave laden with gold. And finally, हमारा last point है, Finally he was forgotten.
यानी कि ये जो टट है इनको काफी ज्यादा गोल्ड के साथ बरी किया गया था और उसके बाद इनको भुला दिया गया अंटिल हिज टॉम्ब वाज डिस्कवर्ड इन 1922, यानी कि उसके बाद से इनके बारे में दोबारा बातचीत शुरू हुई जब इनकी टॉम्ब को डिस्कवर्ड किया गया 1922 में। इट अराउज्ड द क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल टू नो अबाउट टट, यानी कि जब 1922 में टट की टॉम्ब को डिस्कवर किया गया तो उसके साथ ही साथ लोगों में क्यूरियोसिटी आ गई टट के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। अ सीटी स्कैन वॉज डन ऑन हिज डेड बॉडी, और इसी वजह से एक सीटी स्कैन किया गया टट की डेड बॉडी के ऊपर, और उस सीटी स्कैन का क्या रिजल्ट आया? इट ऑफर्स न्यू क्लूज, उसने हमें टट के बारे में, टट की बॉडी के बारे में नए क्लूज के बारे में बताया। चलिए दोस्तों अब टट द लास्ट एयर के बाद बात करते हैं कि कैसे टट की ये जो टॉम है ये दुनिया की सबसे मोस्ट फेमस टॉम बनी। टट्स मम्मी इज द मोस्ट फेमस गिल्डेड हेड इन द वर्ल्ड। दोस्तों गिल्डेड का मतलब होता है कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड और अ सब्सटेंस दैट लुक्स लाइक गोल्ड, यानी कि ये जो टट है इनका जो हेड था उसे गोल्ड से कवर अप किया गया था। इसके आगे ही डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो, यानी कि टट की डेथ आज से 3300 साल पहले हुई थी। इसके आगे अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड गैदर्ड टू सी द रॉक कट टॉम, यानी कि पूरी दुनिया भर से लोग आए थे उस टॉम को देखने के लिए। इसी के साथ दे गेज्ड एट द वॉल पेंटिंग्स। दोस्तों गेज का मतलब होता है टू लुक एट समथिंग और समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम स्पेशली इन अ सरप्राइजिंग मैनर, यानी कि लोगों ने बहुत सरप्राइज होते हुए जो दीवारों पे पेंटिंग्स बनी हुई थी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक ये रियल पिक्चर है जो एक्चुअली ऐसा ही सीन है वहां पर, कि किस तरह से लोग उन पेंटिंग्स को और टट की उस टॉम को देख रहे हैं। तो दोस्तों ये तो रीजंस थे ही जिसकी वजह से टट की ये जो टॉम है वो दुनिया की सबसे फेमस टॉम बनी। इसके आगे देखते हैं कि और कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से वो और ज्यादा फेमस हुई। They also saw Tut's gilded face and the outer coffin lid, यानी कि लोगों ने Tut का gilded face, सोने से बना हुआ वो फेस भी देखा और उनके कॉफिन की आउटर लिड को भी देखा। Many pondered over his ultimately death, यानी कि लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी ये जानने में कि Tut की डेथ आखिर कैसी हुई, क्या उनका मर्डर कर दिया गया था या फिर उनकी डेथ किसी इलनेस की वजह से हुई थी। और इन्हीं सब क्यूरियोसिटी की वजह से, इन्हीं सब चीजों की वजह से आज टट की ये जो टॉम है ये दुनिया की मोस्ट फेमस टॉम बन चुकी है। तो दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि ये जो टट की टॉम है ये दुनिया की मोस्ट फेमस टॉम है। बात करते हैं कि ये सबसे पहले डिस्कवर आखिर किसने की थी। हार्वर्ड कार्टर, अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, डिस्कवर्ड टट्स टॉम इन 1922 आफ्टर इयर्स ऑफ सर्चिंग, यानी कि किसने टट की टॉम को डिस्कवर किया था? एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था हार्वर्ड कार्टर, और उन्होंने कौन से ईयर में से डिस्कवर किया था? 1922 में आफ्टर इयर्स ऑफ सर्चिंग। दोस्तों अब कार्टर ने उसे डिस्कवर तो कर लिया था, पर कार्टर ने उस टट की टॉम के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसकी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई और इसी वजह से द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s सेड जाही हवास, यानी कि जाही हवास ने ये बोला
कि कार्टर ने जो चीज उस टॉम के साथ की, उस मम्मी के साथ की 1920s में, उसकी वजह से आज उसकी बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। ये जो क्वेश्चन है कि आखिर कार्टर ने ऐसा क्या किया उस टट की मम्मी के साथ, इसका आंसर हम लोग इससे अगली वीडियो में जानेंगे। आज हम अपनी स्टोरी को यहीं पर रोकते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले बात करी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने जाना कि डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमें बता रहा है एक राजा के बारे में, एक किंग के बारे में, जिसका नाम है टट। और उस किंग के ऊपर एक सिटी स्कैन किया गया, उसकी मम्मी के ऊपर एक सिटी स्कैन किया गया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले उसके बारे में। इसके बाद हमने बात करी टट द लास्ट ईयर की, कि किस तरह से टट एक बहुत ही पावरफुल इजिप्ट फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी टॉम को डिस्कवर किया गया था 1922 की में, जिसने लोगों में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जगा दी उसके बारे में। और जानने के लिए लोग चाहते थे कि उन्हें टट के बारे में सब कुछ पता चले। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी मोस्ट फेमस टॉम के बारे में, कि किस तरह से आज दुनिया की सबसे फेमस टॉम बन चुकी है टट की ये टॉम। इसमें हमने पढ़ा था कि जो टट का हेड है, सिर है, वो पूरा गोल्ड से कवर अप हो रखा है और उनकी डेथ हो चुकी थी 3300 ईयर्स पहले। इसके बाद हम लोगों ने बात करी कि टट को डिस्कवर्ड किसने किया है, तो टट को डिस्कवर किया है कार्टर ने 1922 में। और फाइनली हम लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा कि जाही हवासी ने ऐसा क्यों बोला कि जो टट की टॉम है वो आज बहुत बुरी कंडीशन में है, और वो कंडीशन किसने करी है, वो कंडीशन करी है कार्टर ने, जिसका आंसर हम लोग अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर है हमारी बुक हॉर्नबिल से, तो घर जाकर आप जितना हमने आज इस वीडियो में पढ़ा है उसको चैप्टर से स्टडी करना ना भूलिएगा। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन की, कि आखिर टट की ये जो टॉम है ये दुनिया की सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन क्यों बोली जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्टर्स प्रॉब्लम के बारे में, कि कार्टर ने उस मम्मी को तो 1922 में खोज लिया था, पर उसके बाद उसके सामने क्या प्रॉब्लम्स आई और उसने उनका क्या सलूशन निकाला, ये सारी चीजें हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि डिजे साथ के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो दोस्तों, आज हमने नवी कक्षा में पढ़ा इंग्लिश का चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक, साथ ही 11वीं कक्षा में पढ़ा इंग्लिश का चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की, जो अभी हमने देखा, इसका पुनः प्रसारण यूट्यूब पर किया जाएगा इक्वेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर डीजे साथ इक्वेशन सर्च करें, जिससे कि आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।